एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे अलवेश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे। देखो, और अभी तक तो तुमने जो देखा वो मेरे सिंपैथी लेने का एक तरीका है, लेकिन अब सच भी सुन लो। तुम लोग, स्टार्ट से सब कुछ बताता हूँ तुम लोगों को। मैं देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी चाहता था कि मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी लोग देखें, और मैंने पूरी कोशिश की है हमेशा से कि मैं लोगों के झगड़ों के बीच में घुस के कोई ना कोई कमेंट करूँ, ताकि मेरे को भी इंप्रेशंस आए, ताकि मैं भी उससे कमा पाऊँ यार पैसे। मैं भी पैसे कमाना चाहता था। और जब से ये बिग बॉस OTT सीज़न 2 आया है, एलविश वर्सेस फुकरा इंसान अपना अभिषेक भाई पे, जब से मैंने बोलना शुरू किया है, मेरे को धीरे धीरे इंप्रेशंस आने लगे थे, मेरे को व्यूज आने लगे थे, ट्विटर मेरे को पैसा देने भी लगा था। तो मैंने सोचा बेशर्मी की सारी हदें मैं पार कर दूंगा, एलविश को मैं टारगेट करता रहूंगा, और मैं यार मुझे पैसे कमाने से मतलब है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। तो यार मैंने प्लान करना शुरू कर दिया कि एलविश आर्मी को मैं गालियां दूंगा, एलविश के फैंस को मैं गवार बुलाऊंगा, उल्टी सीधी चीजें बोलूंगा उनके बारे में, ताकि वो ट्रिगर हों और मेरे को गालियां दें। वो लोग मेरे को गालियां देंगे तो मेरे इंप्रेशंस बढ़ेंगे, मेरे इंप्रेशंस बढ़ेंगे तो मेरे को पैसे आएंगे घर पे। मेरा एम यही था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेशरम हूं यार। बाकी सबको मेहनत करके आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं, लेकिन मुझसे मेहनत नहीं हो रही। मेरे को इजी वे चाहिए था पैसे कमाने का, और एलविश के फैंस ने मेरे को वो मौका हमेशा से दिया है। अब हुआ क्या, एलविश वर्सेस रैंडम सेना हो गया, क्योंकि एलविश की फोटो मुनावर के साथ आई और लोगों को वो सहन नहीं हुआ, रैंडम सेना को वो सहन नहीं हुआ। झगड़ा पूरा इन दोनों का था, लेकिन मैंने सोचा कि यहां पे भी मेरे पास मौका है, मैं लोगों के बीच में घुस के क्लाउड खा सकता हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया अपना काम। तो यार जैसे ही मैंने इन दोनों का झगड़ा देखा, मैंने एलविश के ही पुराने वीडियो उठा के उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि इस दुनिया में सब लोग दोगले हैं। तो मैं सिर्फ एलविश को ट्रिगर करना चाहता था, उसको इंस्टिगेट करना चाहता था वो मुनावर वाले टॉपिक पे, और मेरे को पता था कि ये ट्रिगर होगा। और इसने मेरे को रिप्लाई भी दिया कि भाई तू दिल्ली में रहता है, मैं बस बता रहा हूँ, इस तरीके से मेरे को धमकी देने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे मैं रुक सकता था, इस सब को मजाक में लेके छोड़ सकता था, लेकिन आपको पता है इतने से मेरा क्या होगा यार, मेरे को बड़े लेवल पे कांड करना था। तो मैंने सोचा कि एलविश को फिर से रिप्लाई देता हूँ कि भाई जानता हूँ आप क्या बता रहे हो मेरे को कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ अगर आपको इतना ही है तो। तो मैंने सोचा कि यार मिल के क्या ही होगा, वहाँ पर जाऊँगा, एलविश भाई मेरे को आके बोलेंगे कि भाई ये सब क्यों कर रहा है तू, ट्वीट मेरे बारे में क्यों फालतू मतलब बीच में घुस रहा है लोगों के। मैंने सोचा कि ये सब बातें होंगी, इससे क्या होगा, ये वीडियो भी मैं काट के डाल दूंगा इंटरनेट पे, इस पर भी व्यूज़ आएंगे, एट द एंड पैसे कमाने से मतलब है। तो यार मैं अपने फुल स्टाइल में, फुल टशन में मैं गया सीधा एलविश यादव को, मैंने कॉल किया कि भाई मैं आ रहा हूँ गुड़गांव, कहाँ पे हो आप बताओ, आप मेरी लोकेशन पे आ जाओ, एक काम करो, क्योंकि मेरी सेफ्टी मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, व्यूज़ तो मेरे को चाहिए थे, लेकिन कुछ उल्टा सीधा ना हो इसलिए मैंने बोला कि आप मेरी लोकेशन पे आ जाओ। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एक कैमरा सेट करके रख दिया अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं बेशर्म हूँ, मैं तो बेशर्मी करूँगा, लेकिन अगर मैं मेरे को मार पड़ी तो वैसे ही मैं विक्टिम बन जाऊँगा, यही मेरा प्लान स्टार्टिंग से था। तो एलविश यादव आता है, मैं सोचता हूँ कि चलो यार हाथ मिलाऊंगा, उनको बिठाऊंगा, बातें शुरू होंगी हमारी, धीरे धीरे मैं उसके वीडियोस काट के ऑनलाइन डाल दूंगा, मेरे को व्यूज़ आएंगे। लेकिन सीधा पड़ता है मेरे को एक मुक्का, और मैं समझ जाता हूँ कि यार मैंने हदें पार कर दी है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। लेकिन तब भी मैं चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता था सॉरी बोल के, लेकिन मैंने सोचा अब मुक्का खा ही लिया है तो पूरी तरीके से विक्टिम ही बन जाता हूँ, पूरी तरीके से अपने आप को बेचारा दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि चलो और मारो, मैं और बोलूँगा कि तू गवार है, मैं और उसको इंस्टिगेट करने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मेरे को और धमकियां दे। और जैसे ही वो धमकियां दे रहा था, मैं सोच रहा था कि सब कुछ कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बेचारा बन जाऊंगा, मैं एकदम मासूम दिखूंगा लोगों को, मेरा काम हो गया, मेरे को और ज्यादा क्लाउट मिलेगी, और ज्यादा लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, मैं सीधा मार खाने के बाद हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां पर मेरा पोपट हो गया, क्योंकि पुलिस के पास जाने का मेरा कभी प्लान नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मेरे को बोला कि अगर आपको दिखाना है आपके साथ मारपीट हुई है तो FIR लगेगी। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक और मौका है मेरे पास, पुलिस के पास जाके एलविश यादव को पूरी तरीके से एक अरेस्ट कैंपेन चलाने की कोशिश करता हूँ, और उस पर ऐसे IPC सेक्शंस दर्ज करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से वो निकल ही ना पाए। तो मैंने पूरी स्टोरी को अपने तरीके से बोलने की कोशिश की पुलिस को, फिर पुलिस ने जैसे ही उसको कन्फर्मेशन
लिया उस स्टोरी का, उनको पता लग गया कि यार ये खुद गया है मार खाने के लिए, इस पे हम लोग सामने वाले को दोषी पूरी तरीके से नहीं ठहरा सकते। देखो यार सीधी सी बात है, एलविश यादव ने अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से अपने आप को बचा लिया, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से रेडी था कि मैं उस पर ये सेक्शंस लगाने वाला हूँ और मेरे को पता है इसके रेपरकशंस क्या होंगे, लेकिन यार उसने अपनी पावर यूज़ करके पूरी तरीके से चीज़ों को ही पलट दिया है फिलहाल। लेकिन अभी भी मेरे को पता है कि यार उन चीज़ों में मेरा फ़ायदा हो ना हो, ऑनलाइन मेरा फ़ायदा बहुत हो रहा है क्योंकि लोग पूरी तरीके से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो यार मैं इस चीज़ में घुस तो गया ही हूँ, अब निकल नहीं सकता तो विक्टिम बनना पड़ेगा, एंड तक विक्टिम बनना पड़ेगा और इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि एलविश यादव गुंडा है, एलविश यादव ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर तुम लोग अच्छे से सोचोगे एक स्मार्ट इंसान की तरह, तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि मैटर मेरा था ही नहीं, मैं बीच में घुसा, मेरे को चाहिए था कि यार सच में एलविश यादव मेरे को रिप्लाई दे ताकि लोग मेरे को भी इस चीज़ में इंक्लूड करें। हमेशा की तरह मैं इंक्लूड हो गया इस चीज़ में, लेकिन जो का एंड रिजल्ट निकला है वो मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैं गया था वहां पे एलविश यादव से बात करने। अब सीधी सी बात है, जितनी मस्ती मैंने की है, जितना मैंने ट्रिगर एलविश यादव को किया है, मार तो पड़नी ही थी। अब मार पड़ने के बाद विक्टिम बन रहा हूं, ये अलग बात है, लोग मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं ये तो और अच्छी बात है, लेकिन सच बात यह है कि जितना गलत एलविश है इस चीज में उतना मैं भी हूं। ये तुम लोग मानोगे नहीं क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में एलविश की एक इमेज ऑलरेडी बन गई है जो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिलहाल एट द एंड तुमको पता लग जाएगा कि मस्ती मैंने भी उतनी की थी। यार एक और बात, जो स्टार्टिंग में तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा जहां पे मैं विक्टिम प्ले कर रहा हूं, वो भी अच्छे तरीके से वायरल हो रही है, उस पर भी बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। वैसे तो विक्टिम बन रहा हूँ लेकिन मज़ा भी आ रहा है अंदर से, क्योंकि उस वीडियो से यार बहुत सारी कमाई होने वाली है और वो वीडियो शायद बहुत लोगों को जो जिनको पता भी नहीं है कि मैक्सटन कौन है, उन लोगों को पता लग जाएगा कि यार मैक्सटन करके भी एक इंसान है, थैंक्स टू एलविश यादव। एलविश यादव की बैंड बजा के मैक्सटन को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसके लिए मैं खुश हूँ यार।